माइसेल्फ पप्पू, क्योंकि अब तो मैं पप्पू ही हूं। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? जिस पार्टी के सारे जवान नेता, कैमरा वाले भैया थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ, तो जिस पार्टी के नेता, जवान नेता बीजेपी में जा रहे हो, कोई अपनी लड़ाई के बलबूते पर जा रहा है, किसी को मुझसे खुन्नस है इसलिए जा रहा है, कोई कह रहा है आपकी नीतियां ठीक नहीं है इस पे जा रहा है, कोई कह रहा है कि आपकी मम्मी ठीक नहीं है उस पे जा रहा है, जब सबके सब भाजपा जा रहे हैं तो मेरे पास जवाब आ चुका है मोदी जी का। मोदी जी कहते हैं कि भैया, नहीं कि भैया तो मैं बोलता हूँ, कि राहुल मैं कांग्रेस फ्री इंडिया बनाऊंगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। जब सारे के सारे कांग्रेसी आपकी पार्टी में इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस मुक्त कैसे हुई बताइए जरा। अरे कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है, कितनी बार हाथ जोड़ के बताऊं आपको कि कांग्रेस पहले ही खत्म हो गई है। कैमरे वाले भैया थोड़ा ऊपर कीजिए, हम कहीं तो उठ नहीं रहे हैं, थोड़ा यहीं उठा दीजिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि अब मैं बात करूंगा मिस्टर मोदी से कि जब कांग्रेस के सारे नेता आपके साथ हो गए हैं तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हुआ बताइए जरा। और आज मैं आपसे वन टू बात कर रहा हूं बिना किसी नशे के। और मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया, नहीं 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 बरातियों का स्वागत, ना 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 वो नहीं। मैं ये कह रहा था कि अब हमारा अगला टारगेट होगा भाजपा मुक्त भारत। और भाजपा को हम कैसे मुक्त कर सकते हैं कि जितने कांग्रेसी हैं इंक्लूडिंग मी एंड मम्मी सबके सब भाजपा में हो जाएं। फिर मोदी जी कहेंगे कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो उसको सबसे पहले उनको भाजपा मुक्त करना होगा, तो भाजपा से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। देखा आपने, पप्पू मुझे भले कोई भी बना ले लेकिन मैं हूं नहीं। कोई मुझे कुछ भी समझ ले, कुछ भी कह ले, पर भैया बात यह है कि मैं पप्पू नहीं हूं, या मैं पप्पू नहीं हूं। तो देखिए हम अपने टारगेट पर हैं कि अब हमारा अगला टारगेट रहेगा भाजपा युक्त, कांग्रेस युक्त भाजपा बनाना। ठीक है, कहीं कोई गलती हो, कोई बात हो, मेरे स्क्रिप्ट राइटर से मिलिएगा, क्योंकि मैं तो गलती करता ही नहीं, आपको पता ही है।